हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा, आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इन सारी चीजों को देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि हमको कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है बेटा? और इसके अलावा उनमें से एक जो रिएक्शन है हमारी, उसको हम कवर भी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमको केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। तो बेटा देखिए, ये जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होते गए कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, अभी अपन टेंथ में है, टेंथ में भी अभी आगे और चीजें चैप्टर्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, फिर अपन इलेवेंथ में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे, बहुत सारे तरीके के हमको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। बट सारे के सारे रिएक्शंस जो होते हैं, वो इनिशियली इन्हीं में से किसी एक टाइप के या एक से ज्यादा टाइप के होते हैं, ठीक है। सारे के सारे रिएक्शन जितने भी हमको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, और सबके जो इनिशियल्स होते हैं बेटा, वो या तो ये जो रिएक्शंस यहाँ पे मैं लिखूंगा इनके जैसे होंगे, इनमें से किसी एक के जैसे होंगे, या एक दो का मिक्सअप होंगे, ठीक है बेटा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से समझिए इस बात को कि जैसे मैथ्स है बेटा, मैथ्स में हम बड़े होते गए होते गए होते गए हम कितनी सारी चीजें पढ़ते गए, बट ऑल द मैथ इज बेसिकली रिलेटेड टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड नंबर नॉलेज, है ना। अगर हमको नंबर्स की नॉलेज है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, तो उसके बाद हमने जितने भी क्लासेस पढ़ी हैं, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, ट्रेपीजियम पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, जितनी भी चीजें पढ़ ली है ना, उन सारी चीजों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही यूज हुआ है, अलग अलग चीजों के बीच में, अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, टर्म्स के बीच में, है ना। तो ठीक उसी तरीके से, अच्छा, इन रिएक्शंस को ताकि हम याद रख सके, इसीलिए मैंने इनके ग्रुप बना रखे और कुछ नाम रख रखे हैं, ठीक है। और इनकी मैं आपको शक्लें भी बताऊंगा। तो सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन जो है बेटा हमारा, तीसरा रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो चौथा रिएक्शन है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, और जो पांचवा रिएक्शन है हमारा, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो पांचवा रिएक्शन है हमारा, वो हमारा क्या कहते हैं, पांचवा रिएक्शन है थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन से भी पहले हमको कुछ रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे से हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और लास्ट में रिएक्शंस में हमको पढ़ना होगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ इस प्रकार से बेटा हमको ये हमारे रिएक्शंस हैं जिनको कि हमको पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको इनके नाम बताता हूँ कि इनके मैंने अपनी मर्जी से क्या क्या नाम रखे और रीजन भी बताता हूँ। बेटा ये जो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रहे हैं ना आपको, इनके नाम मैंने रखे हैं दुश्मन रिएक्शन। इनको मैं दुश्मन रिएक्शन इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि ना, जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दोनों की शक्लें ना एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शक्ल लो, उसको उल्टा कर दो तो डिकम्पोजिशन बन गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की शक्ल लो, उसको उल्टा कर दो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गया, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इनके नाम रखे हैं मैंने, इनके 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 नाम रखे हैं मैंने भाई बहन रिएक्शन। क्योंकि ये भाई बहन रिएक्शन ही है, ये छोटा भाई है, ये बड़ी बहन है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। और ये जो हमारे थर्मल रिएक्शन है, इनका नाम मैंने रखा है गर्मा गर्म रिएक्शन। गर्मा गर्म रिएक्शन होते हैं इनमें, गर्मा गर्म रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत तगड़ा झोल होता है, तगड़ा आदान प्रदान होता है,
न्यूट्रलाइजेशन और जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है बेटा, इनके नाम मैंने रखे हैं बेटा बेटी रिएक्शन। और ये किसके बेटा बेटी हैं ये आपको पता चल जाएगा। वैसे चलिए अभी बता देता हूं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेटा बेटी होते हैं, पर इनका नाम बेटा बेटी रिएक्शन क्यों रखा है ये आपको बाद में पता लग जाएगा। और ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन का नाम मैंने रखा है दोस्ताना रिएक्शन, क्योंकि बेटा जो दोस्ताना होता है, याराना होता है, जहां एक यार वहां दूसरा यार, तो ये जो एक नाम दिख रहा है ना आपको रेडॉक्स, इस एक रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं तो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कवर करेंगे। और बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारी बुक में, एक्टिविटीज उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा ध्यान से समझिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे क्या बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई भी वो केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए कॉम्बिनेशन वर्ड जो आया है वो आया है कंबाइन होने से, है ना बेटा, और कंबाइन होने का मतलब होता है बेटा जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शक्ल कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे बेटा दो और तीन क्या होंगे, पांच होंगे। अच्छा दो तीन और पांच क्या होंगे बेटा, दस होंगे। अब बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो साइड होती है किसी भी रिएक्शन में, इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में आप या तो दो रिएक्टेंट्स ले लीजिए या तो आप तीन रिएक्टेंट्स ले लीजिए, प्रोडक्ट आपको हमेशा कैसा मिल रहा है बेटा बताइए। रिएक्टेंट जो है वो हमेशा क्या है, मोर देन वन, और प्रोडक्ट हमेशा कैसा मिल रहा है हमको, सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अर्थात वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, और बेटे सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, सब्सटेंस का मतलब कि एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि ये जो है ये एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको स्पेसिफाई करके चल रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के हमको एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं आइए यहाँ पे कि द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस in which two or more substances combine together to form a single substance, टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। अच्छा यहाँ जो ऊपर सब्सटेंस लिखा था इसके ब्रैकेट में यहाँ बना करके इस तरीके से हम एलिमेंट और कंपाउंड भी लिख लेंगे, क्योंकि बेटा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस एज प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन करते हैं एक सिंगल सब्सटेंस देने के लिए, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर, एच टू प्लस ओ टू दैट गिव एच टू, एम जी प्लस ओ टू दैट गिव एम जी ओ, C plus O2 that gives CO2। ठीक है बेटा, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में कितनी चीजें हैं बेटा, दो चीजें हैं रिएक्टेंट में, दो चीजें हैं और प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, सिंगल सिंगल सिंगल, है ना बेटा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं हमारे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, बुक में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो वो अभी हम फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद जो है क्लास हमारी आज की फिनिश होगी। ठीक है बेटा, ये वीडियो लेक्चर हमारा फिनिश होगा। ठीक, तो आप एक बार जब तक बोर्ड देख लीजिए ध्यान से, ताकि आप नोट कर सकें इसे। तो चलिए बेटा, ये आगे देखते हैं। अभी हम देखने वाले हैं हमारे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो छोटा सा ही टॉपिक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आज मैं आपको आपकी जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री की बुक में से कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं आप लोगों के, जिन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड की जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं, उन ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स से ना क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जो आपके पेपर में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे चार एक्टिविटीज हैं अभी फिलहाल, तो ये चारों एक्टिविटीज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, इस वीडियो लेसन में। इनके बाद तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा सबसे पहला टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटे क्या होगा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे ना बेटा, ये जो मैं एलिमेंट एलिमेंट बोल रहा हूँ, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। तो जो हमारे एलिमेंट जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा एलिमेंट होंगे। जैसे ये देखिए H2+O2 दैट गिव H2O, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तीन और दो पांच होते हैं, हाँ। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स होते हैं? हाँ। तो ये हो गया एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखिए Mg+O2 दैट गिव MgO, तीन और दो पांच होते हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ। क्या MgO2 को एलिमेंट बोलते हैं? हाँ। ठीक है बेटा, अच्छा एक और देख लें, चलिए एक और देख लेते हैं, C+O2 दैट गिव CO2। ठीक है बेटा, C+O2 दैट गिव CO2। अच्छा क्या कहते हैं, तीन और दो पांच होते हैं, हाँ। क्या सी और वो एलिमेंट्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं? हाँ। तो ये क्या हो गया एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सेकेंड टाइप कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए बेटा, FeSO4 प्लस 7H2 दैट विल गिव FeSO4.7H2O। ठीक है बेटा, अच्छा और देखेंगे, और देख लीजिए, CaO+CO2 दैट विल गिव CaCO3। ठीक है बेटा, ये क्या हो गए हमारे कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए लास्ट देखते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट है एलिमेंट कंपाउंड केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट कंपाउंड केमिकल रिएक्शन, जैसे कि बेटा ये देखिए SO2+O2 दैट विल गिव SO3। ध्यान से समझिएगा, SO2 क्या है बेटा, एक कंपाउंड है, और O2 क्या है बेटा, एक एलिमेंट है। एलिमेंट और कंपाउंड को मिला करके एक नया कंपाउंड बन रहा है। दो और तीन पांच होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शक्ल मिल रही है, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, तो एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से CO+O2 दैट गिव CO2। ठीक है बेटा, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड होता है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है बेटा, एक एलिमेंट है, और इन दोनों को मिलाकर के एक नया कंपाउंड बन रहा है। अच्छा ये जो बेटा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन है, इनको जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना रहे हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है,
तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ नॉन मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये हुआ मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा बात ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन में मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नॉन मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, पर नॉन मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कभी नहीं होगा। सॉरी मेटल और मेटल का, क्या कहा मैंने कि मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, नॉन मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि मैग्नीशियम प्लस आयरन ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे थर्ड चैप्टर में कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, कुछ का काम होता है इलेक्ट्रॉन जो है रिसीव करने का, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा एक पेयर होना चाहिए, या तो इनका काम होता है शेयर करने का। तो यहां जितने भी हमको रिएक्शंस दिख रहे हैं बेटा, इन सब में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव किया जा रहा है या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। बट मेटल मेटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। तो मेटल मेटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना तो डोनेट हो सकते हैं, मतलब ना तो ट्रांसफर हो सकते हैं एक से दूसरे में, और ना ही तो शेयर हो सकते हैं, ठीक है बेटा। वैसे ये बहुत डिटेल बातें, इतना आपसे कोई पूछेगा नहीं, इवन आपकी बुक में बता भी नहीं रखा है कि इतने टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। एनसीईआरटी को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो हाँ एग्जांपल जरूर दे रखे हैं, आप उन एग्जांपल्स में अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस पुट करें अपना तो आपको भी ये चीजें मिल जाएंगी, जैसे मुझे मिल गई थी आराम से जब मैं छोटा बच्चा था, अभी अच्छा ठीक है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद हमारे पास चार एक्टिविटीज हैं, तो चारों एक्टिविटीज को हम करते हैं, उनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फिर, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, चलिए बेटा ये तो देखते हैं। सबसे पहले है बेटा एक्टिविटी नंबर वन, तो ये जो एक्टिविटीज है ना बेटा, इन एक्टिविटीज से ढेरों सारे क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में ना हमसे पूछे जाते हैं, इनके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड, या कुछ तो बात होती है इन रिएक्शंस में उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आइए सबसे पहली एक्टिविटी का नाम है बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की इस एक्टिविटी में हमको बोला जाता है कि पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको आपको पहले तो सैंड पेपर से क्लीन करना है, सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद आपको एयर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, ठीक है ना। तो जलाने पे आपको एक पाउडर मिलेगा, ठीक है, और डेजलिंग वाइट फ्लेम मिलेगा, डेजलिंग मतलब कि चमकता हुआ फ्लेम मिलेगा, ठीक है। और आपको बताना है इसके बारे में कि इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा। तो चलिए आइए देखिए क्या होता है इस एक्टिविटी में, कि बेटा जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम एक मेटल है, जब भी आप बेटा किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो चीज ना हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उससे कंबाइन करती है। मैग्नीशियम को आपने बर्न किया, आप मैग्नीशियम को बेसिकली क्या दे रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं, हीट देने पर वो ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ और जो पाउडर बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा वो व्हाइट कलर का पाउडर है जो चाइना डिश में कलेक्ट होगा, ठीक है बेटा। अच्छा इसका नाम लिख देते हैं ऑक्सीजन और इसका नाम लिख देते हैं मैग्नीशियम। बेटा ये जो है आप पर्पस समझिएगा एक्टिविटी आपको बताने का, ठीक है। हर चैप्टर की एक्टिविटी मैं नहीं बताऊंगा आपको, पर हम कुछ चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज मैं जरूर बताऊंगा आपको, और फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज है बेटा इनमें से ज्यादातर एक्टिविटीज में से एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन आते भी हैं हमारे पेपर में, ठीक है बेटा।
तो इनको जो है हमको ध्यान से सॉल्व करना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन लिखने को आती है बेटा पेपर में, तो ध्यान रखिएगा हमको इसी तरीके से लिखनी है, पूरी इन्फॉर्म करके हर किसी का नाम लिख के। इसके अलावा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बहुत ही फेमस कि वाई करोड़पति क्वेश्चन है, वो वाई मैग्नीशियम रिबन, वाई मैग्नीशियम रिबन शुड क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो हमारा इंडेक्स है पेज नंबर आपका फोर पे, ठीक है, पेज नंबर फोर पे इस चैप्टर के, उसी इंडेक्स के सबसे पहले इंडेक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको बर्न करने से पहले हमको क्लीन क्यों करना होता है। तो समझिएगा बेटा, बात ये बेटा कि मैग्नीशियम जो है ना वो एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, और मैग्नीशियम जो है अगर मैग्नीशियम को ऐसे थोड़े दिन हम खुले में रखते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर ना ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, और ये जो परत होती है ये ऑक्सीजन को आगे अभिक्रिया करने से, आगे रिएक्शन करने से रोकती है, ठीक है बेटा। तो इस परत को हटाने के लिए ही हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंडपेपर से क्लीन करना पड़ता है। तो आंसर लिख लीजिए, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद सैंडपेपर, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद सैंडपेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट इज रिएक्टिव इन नेचर एंड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, एंड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर which do not allow magnesium to react, ठीक है बेटा। अच्छा आगे सुनिए, इसके अलावा जब आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटी वन। बेटे सुन लीजिए कि ऑब्जर्वेशन में हमको क्या लिखना है। ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखेंगे कि व्हेन वी हैव बर्न मैग्नीशियम रिबन, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के प्रेजेंस में, तो हमको एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिला, वी गेट टू सी अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, एंड सम रेसिड्यू कलेक्ट इन चाइना डिश, और कुछ रेसिड्यू जो है रेसिड कलेक्ट हुआ चाइना डिश के अंदर, एंड दैट रेसिड वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, वो जो रेसिड था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था, और उसके बाद हमको ये पूरी रिएक्शन लिखनी है। एक्टिविटी वन फिनिश होती है बेटा। एक्टिविटी टू सुनिएगा क्या है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, यही लेने हैं ना। हाँ बेटा, हमको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन लेने हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और बताना है कि इनको रिएक्ट करवा के क्या होगा। तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ठीक है बेटा। तो इनको हमें रिएक्ट करा करके बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, तो इनके रिएक्ट कराने से क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है बेटा। जो हमारा लेड आयोडाइड बनेगा, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो हमारा लेड आयोडाइड बनेगा, ये हमारे पास एक येलो कलर का पीपीटी होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब कि ये जो चीज है ये रिएक्शन में ऐसे ही रहेगी, घुलेगी नहीं, ठीक है। इनके नाम लिख लेते हैं सबके। ये था हमारा क्या बेटा, लेड नाइट्रेट, ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, ये है बेटा हमारा लेड आयोडाइड,
ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे हम बेटा, इसकी ऑब्जर्वेशन हम ये लिखेंगे कि जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस को मिक्स किया, व्हेन वी हैव एडेड लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन वी गॉट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड हमें किस फॉर्म में मिला है, येलो कलर के पीपीटी के फॉर्म में मिला है। अब एक्टिविटी नंबर थ्री के अंदर हमको क्या करना है, एक्टिविटी नंबर थ्री के अंदर हमको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रेनुल्स मिलाने हैं, और हमको देखना है कि जिंक ग्रेनुल्स मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, ठीक है बेटा। तो जब हम जिंक ग्रेनुल्स मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो इससे जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें मुझे कैसे पता और आपको कैसे नहीं पता, और आपको कैसे पता लगेंगी बेटा, ठीक है, इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आप धीरे धीरे समय के साथ साथ बेटा सीख जाएंगे कि क्या कैसे हो रहा है और क्या कैसे बनता है, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हमने जिंक से कंबाइन कराया, तो जिंक से कंबाइन कराने पे यहाँ क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, ZnCl2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है बेटा। अच्छा चलिए अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए, इसकी ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे, पहले नाम लिख दें हम सबके, हाइड्रोजन क्लोराइड, यह है जिंक, यह है जिंक क्लोराइड, और यह है हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। अच्छा इसकी ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वी हैव एडेड जिंक ग्रैनुल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है बेटा, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, आगे देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में हमारे कि दोनों में क्या फर्क होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने जिंक के ग्रैनुल्स को ऐड किया, तो हमें जिंक क्लोराइड मिला, और जिंक क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। अच्छा कुछ चीजें हैं मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगी मैं क्यों लिख रहा हूँ, बट आफ्टर सम टाइम मैं आपको ये समझाऊंगा कि मैंने ये सब किस लिए लिखा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये इनमें से कहां क्या लिखना है, ठीक है बेटा। कुछ क्लासों बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, मैं खुद आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको कहां कैसे क्या लिखना है, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जो कि ज्यादातर जगह एप्लीकेबल होती है, 95% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो हमारी ट्रिक होती है वो हमेशा हमेशा सही होती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस में ही जो है ट्रिक थोड़ी सी फॉल्स हो जाती है। तो हमारी तीन एक्टिविटीज हो गई बेटा, तीन एक्टिविटीज हो गई हमारी, अब एक लास्ट एक्टिविटी बची है। अच्छा एक बार ध्यान से सुनिएगा कि ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है, ये पता करने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि जिस भी कंटेनर में से ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां पे हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल ले जाकर के रख देंगे, अगर वो बर्निंग कैंडल की जो फ्लेम है वो एक पॉप साउंड के साथ, ठीक है ना, एक पॉप साउंड होता है, एक आवाज होती है चिटपट ऐसे इस तरीके की आवाज होती है, तो अगर वो फ्लेम जो है हमारी कैंडल का अगर उस पॉप साउंड के साथ जल जाता है, तो ये जो गैस है ये हमारी हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। अच्छा चलिए अब आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है, फिर हम ये क्लास जो है फिनिश करेंगे। चलिए बेटा ये एक्टिविटी 4 फटाफट देख लेते हैं। एक्टिविटी फोर में हमको क्या बोल रखा है कि हमको थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर लेना है, और उस कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर को जो है हमको वाटर में मिक्स करना है, और वाटर में मिक्स करके देखना है कि क्या सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है,
और हमको टेम्परेचर चेक करना है। तो आइए देखते हैं ये पूरी एक रिएक्शन जो है ये चेन रिएक्शन होती है और एक्टिविटी 4 जो है ये बेटा ध्यान रखिएगा ये करोड़पति एक्टिविटी है क्योंकि इस एक्टिविटी से एबीसीडी टाइप वाले और 1-2 मार्क्स में 3 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि आपने थोड़ा सा चूना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसका निक नेम है क्विक लाइम। इस क्विक लाइम में जब आप वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो इस क्विक लाइम में वाटर मिक्स करने पे आपको मिलेगा CaOH twice मीन्स बेटा CaOH twice जो है हमारा वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है बेटा उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसके अलावा इसका एक और नाम है कि देखिए बेटा जो हमारी स्लेक्ड लाइम होती है, स्लेक्ड लाइम कैसे बनती है, स्लेक्ड लाइम जो है वो स्लेक्ड लाइम, ठीक है बेटा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम, और ये स्लेक्ड लाइम बना कैसे बेटा, ये हमारे पास चूना था हमने इसमें पानी मिलाया तो इससे ये बन गया। अच्छा चूने को पानी में मिलाया तो इसको क्या बोलेंगे, चूने वाला पानी यानी कि चूना पानी, है ना। और चूना पानी को बड़े अंग्रेजी में हम क्या बोल सकते हैं, लाइम वाटर। तो इसका एक और नाम है लाइम वाटर, ध्यान रखिएगा। अच्छा बड़े ये रिएक्शन जो है ना ये आगे भी प्रोसीड होती है, आइए देखिए कैसे। जब ये जो हमारा लाइम वाटर है CaOH twice जब आप इसको अप्लाई करके जो चूना होता है जो दीवारों पे कोटिंग होती है उसको अप्लाई करके कहीं भी छोड़ देते हैं तो हवा में जो CO2 होता है बेटे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इससे कंबाइन करता है और इससे कंबाइन करके CaCO3 बनाता है और थोड़ा बहुत वाटर रिलीज होता है। इस CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा, जिसको कि हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं यानी कि चूना पत्थर, ठीक। अच्छा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड गैस, ठीक। अच्छा इसका तो नाम मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा यहां पे बेटा इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसमें वाटर को ऐड करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करने पे जब हमें क्विक लाइम जो है हमारा जब फॉर्म होगा उस टाइम पे जिस भी बीकर में रिएक्शन हो रहा है अगर आप बीकर को थोड़ा सा टच करेंगे तो बीकर ना हमको थोड़ा वार्म लगेगा। अब बीकर को वार्म बीकर टच करने पे हमको वार्म लगा इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये बात हम एक दो क्लास बाद पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इससे जुड़े हमारे 4 एक्सपेरिमेंट। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर, और जो अपनी क्लास है वो फिनिश होगी अगली, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट आएंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिएगा इसको, तब तक के लिए जय हिंद।